वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर आचार संहिता के पहले दिन वल्लभ नगर की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुंकार भरी। पूरे राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हमारे सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे एक मेवाड़ संभाग का जिम्मा होने के नाते आज वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर हम सब ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, इसके लिए हुंकार भरी एक सभा आयोजित की है। वल्लभ नगर के अंदर जो व्यवस्था पिछले कई सालों से बनी आ रही है, एक लूट का खेल खेला जाता है यहाँ। हर पांच साल के अंदर पांच साल काका जी, पांच साल भतीजा जी बात चला आ रहा है। पिछले 70 साल से एक ही परिवार यहाँ वल्लभ नगर विधानसभा में जो राज कर रहा है, और एक तरह से भ्रष्टाचार के अंदर अभी राजस्थान के अंदर वल्लभ नगर विधानसभा एक नंबर पे चल रही है। हमारे वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर दो पंचायत जिला नगर पालिका है, दोनों नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष मानौड़ के अंदर भ्रष्टाचार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घर बैठे हैं। भिंडर के अंदर भी जांच करने के जांच चल रही है और नगर पालिका अध्यक्ष घर बैठा है। इसके पीछे यहाँ के विधायकों का हाथ है, यहाँ की व्यवस्था का हाथ है। अगर कोई गरीब परिवार से चुन के जाता है मगर उनके ऊपर बैठे हुए विधायक या पूर्व विधायक हो, यहाँ की व्यवस्था हो, उनको उसी डेरे में डालना चाहती है। मेरे भाइयों, मैं मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वल्लभ नगर की जनता अब जाग चुकी है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। जो एक परिवारवाद चल रहा है उसको खत्म करना चाहती है। जो एक मशीनरी के दबाव में वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर मशीनरी का दुरुपयोग करके हर किसान को, गरीब को, युवाओं को थाने, तहसील, आरएसीबी जहां जाते हैं वहां पैसों का के दम पे काम करवाया जाता है। पैसे नहीं तो काम नहीं, ये व्यवस्था वल्लभ नगर के अंदर है। मैं यहाँ के युवा साथियों, बुजुर्ग भाइयों सबके साथ मिलकर, हम सब मिलकर यहाँ वल्लभ नगर की व्यवस्था परिवर्तन करता चाहते हैं। इस बार ढंगी जी आपको मुकाबला किससे है? देखो, चुनाव तो पिछली बार भी हम जीत जाते। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से 85 रहा, उस टाइम भी जीत जाता, मगर उस टाइम उपचुनाव थे, आप जान रहे हैं। उस टाइम पे सारी राजस्थान की सरकार पूरी यहाँ लग गई, एक एक मंत्री गली गली में लग गया, समाज वाइज मंत्री बुलाए कि समाज का किस पे असर पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ चला था। केंद्र के सारे मंत्री यहाँ लग गए थे, एक एक गली गली में केंद्र के मंत्री लगे थे, फिर भी वल्लभ नगर की जनता ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया और दो नंबर पे रखा। मैं धन्यवाद दूंगा वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के मतदाताओं को। अभी इस वक्त में वल्लभ नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बिखरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कितने सालों से संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता, जो 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कदर भी यहाँ के कैंडिडेट जो प्रत्याशी रहे वो उनकी कदर नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी भी बिखर चुकी है, क्योंकि मैं पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा, वो मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, उनसे मिलना होता रहता है, तो वो अब मुझे भी कहते हैं भाई साहब कुछ चुक हमसे भी हुई, हमारा तालमेल आपस में सही नहीं था। मैं अभी आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता हो, चाहे आरएलपी के कार्यकर्ता हो, हम सब एक हैं, एक जाजम पे बैठकर इस बार निश्चित रूप से वल्लभ नगर में विजय कार्यकर्ताओं के माध्यम से विजय दिलाएंगे। ये निश्चित रूप से है कि बीजेपी में मैं पिछले 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में बात कभी शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने जिस पार्टी में रहा हूँ मैंने वफादारी से काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी में था वफादारी से काम किया, आज मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हूँ तो संभाग प्रभारी का जिम्मा है, तो मैं इस पार्टी में वफादारी से काम कर रहा हूँ। अब रही बात पार्टी में जाने की, ये तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर में बिखर चुकी है, उनको भी अपना विकल्प ढूंढ रही है, इसलिए आपके पास कोई बातें आ रही होगी, मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। इस बार मुकाबला किससे है आपका? इस बार किससे मुकाबला? इस बार तो वल्लभ नगर के किसान और एक राज परिवार उनके साथ हमारा है। एक जिस तरह से कांग्रेस में विरासत की राजनीति है, जिस तरह से महलों की राजनीति है, जिस तरह से एक उद्योगपति की राजनीति है, उन तीनों के सामने वल्लभ नगर की जनता अच्छा आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूरा विश्वास। कितना आश्वस्त आपने जीत को लेकर? इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है
क्योंकि पलम नगर की जनता परीक्षा भी तकड़ी लेती है, हारने के बाद टिकता है या भाग जाता है, तो मैं तो हारने के बाद भी इनके साथ आप मेवाड़ के संभाग प्रभारी हैं, वल्लभ नगर के अलावा आपका क्या प्लान है? हमने तो प्लान कर रखा है 28 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे और निश्चित रूप से हमारी वजह से अगर किसी को नुकसान ना होगा वो तो निश्चित है, तय है। बीजेपी को ज्यादा मेरे से नुकसान, मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा भाई, क्योंकि मेरी विचारधारा इसी पार्टी से पहले थी। यदि यदि आप विधायक बनते जाते हैं तो वल्लभ नगर के लिए क्या नई सौगात लेके आएंगे? अगर मुझे वल्लभ नगर की जनता ने विधायक बनाकर जयपुर भेजा और भेजेंगे निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है आने वाले 70 साल का कार्यकाल जिस तरह से इन्होंने बारी बारी से 5-5 साल लूटा है, सबसे पहले तो उनका खाया पिया निकालूंगा, उसके बाद वल्लभ नगर के युवाओं के लिए, वल्लभ नगर के युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े, किसानों के कर्ज के लिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी गेहूं की फसल थी, लाइनों में लग के लोग खाद बीज लाए थे, हमारे यहाँ इतनी बड़ी ओलावृष्टि हुई, मुझे राजस्थान के अंदर मीडिया के माध्यम से छपा था, एक एक फीट ओले गिरे थे टीकावास गांव में, यहाँ के कलेक्टर साहब आए थे, सभी नेताओं ने आश्वासन दिया कि हम मुआवजा देंगे, 100% फसल खराबा था, आचार संहिता लगी है फूटी खोड़ी तक इसके रोजगार को लेकर आप रोजगार देखना चाहे तो मावली में चलिए आप, क्योंकि वहां 5 साल में विधायक चेंज होता है और 36 ही कौन के वहां विधायक बनते हैं। आज कलरवास में रिको इंडस्ट्री, गुडली चले जाइए गुडली इंडस्ट्री, रिको इंडस्ट्री, अजयनगर सनवार में इंडस्ट्री, और अभी यहाँ इटाली में आमली में इंडस्ट्री, हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं है, सीमेंट फैक्ट्री, हिंदुस्तान जिंक, कॉलेज खुले हुए हैं। आज एक युवा भी अगर चाहे कि मैं शाम को जाके छोटा मोटा भी काम भी कर लूं, हमें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रोजगार के लिए जाना पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ वल्लभ नगर के अंदर हर 15 किलोमीटर के अंदर एक इंडस्ट्री हो, जिससे हमारे युवा साथियों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, पेट्रोल बचे, और सबसे ज्यादा हमारी पार्टी स्थानीय लोगों को 80% रोजगार दे। मैं तो इस चुनाव के बाद भी, यदि चुनाव आगे हमारे कुमारी माइंस है, सीमेंट फैक्ट्री है, इसको भी हिलाएंगे और 80% लोग यहाँ के कार्यकर्ताओं को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने हार कबूल कर लिए, कल राहुल गांधी ने बता दिया।